नमस्कार, स्वागत है आपका भारत प्लस टीवी में। और इस टाइम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ तमाम महिला और लोग यहाँ पर जैन से धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए। मेरा नाम सुनील कच्छप हुआ, हम झारखंड से आए हुए। आप जो दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, इसके बारे में बताइए, क्या धरना है आपका? सर, हम लोग का धरना है कि हमारा जो धार्मिक पहचान है वो हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का सन्ना कोड मिलना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म के लोगों के लिए कोलम है, कोड है, और हमारा पहचान कहीं ना कहीं गौण है। जबकि हम लोग पूरे भारत देश में आदिकाल से रह रहे हैं, और सभी लोग का जुबान पे जरूर है कि आदिवासी हैं ये लोग, आदिकाल से रह रहे हैं, इनकी अपनी पहचान है। लेकिन वो पहचान सिर्फ बोलने में है, कागजी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है, इनसे जितने भी संबंधित है, सारे लोग हमारी बातों को सुने, और हमारा जो धरना, जो आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं सन्ना कोड के लिए, तो वो हम लोग को मिलना चाहिए। और ये भी हम कहना चाहते हैं, हमको विश्वास है कि हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी पूरा उम्मीद है कि वो खुद एक ट्राइबल है जो सनातन धर्म मानती है। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे, और हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि आपने भी ये विश्वास दिलाया है, आपने भी ये बात को कहा कि हम आदिवासियों के जो भी हक अधिकार के साथ साथ में उनका जो पहचान है वो हम देंगे, उनकी बातों रखेंगे। तो आज आपके साथ में मौका है कि आप हमारा जो धार्मिक पहचान है, हम जो कहना चाह रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमारा जो सन्ना कोड है उसे आप लागू करने का कृपा करें। और इस बात के लिए हम लोग अभी बहुत ज़ोरों से तो आज नहीं कह रहे हैं, लेकिन आने वाला दिन में अगर हमारी बात गंभीरता से अगर नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो हो सकता है हम लोग इससे उग्र आंदोलन करेंगे पूरे भारतवर्ष में। मैं डॉक्टर आयशा गौतम बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम यहाँ पे सरना कोड धर्म के डिमांड के लिए आए हुए हैं, किसी भी समुदाय के मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस के लिए और उनके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए उनके धर्म को मान्यता देना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के साथ एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस, एक एपिस्टेमिक इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि पिछले 75 साल से हमारे धर्म को वो मान्यता नहीं दी गई है। तो यहाँ पे इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं हमारी सरकार से कि हमें क्यों मान्यता नहीं दी गई है। और एक ये जो धर्म है हमारा, कहीं ना कहीं यही धर्म पूरी दुनिया को बचा सकता है, कि हमारी, क्योंकि हमारी धर्म का जो सार है वो शुरू होता है प्रकृति से और पूरी प्रकृति को संजो के चलता है। क्योंकि अगर हम देखें, जब हम किसी को सल्यूट करते हैं, जब हम हेलो हाय नहीं बोलते बल्कि हम जोहार बोलते हैं, जोहार का मतलब होता है प्रकृति की जय। और कहीं ना कहीं सरना की जो हम सरना शब्द जो है वो स्थल के लिए भी है और हमारे बिलीफ और प्रैक्टिसेस को भी इंगित करता है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म तो है जो पूरे, यही धर्म है जो कहीं ना कहीं पूरे संसार को, जिस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शन हम नेचर में देख रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी में देख रहे हैं, जहाँ पे एक हायरार्की है, वो अगर हमें ख़त्म करनी है, उससे हमें अगर निजात पाना है, तो कहीं ना कहीं उसका निजात है हमारे धर्म में, सरना धर्म में। हम साथ में चलना चाहते हैं। आप हम पे ना थोपे, हम आप में ना थोपेंगे। आप ये ना बोले कि फलाना क्योंकि आप ये फॉलो करते हैं। कॉमनैलिटी सब में है। अगर आप देखें, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब हम इंसान हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हमारी एक सांस्कृतिक एक अलग पहचान है, और एक सांस्कृतिक पहचान हमारे अपने अलग सिंबल्स हैं। ये अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं हमारे सार्थक एग्जिस्टेंस को, तो कहीं ना कहीं हमारा सिंबल्स, हमारे इंस्टीट्यूशन सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, हम लोग का जो पहचान है वो हमें, हम लोग से वंचित रखा गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरना धर्म कोलम दिया जाए। और हम लोग यही उम्मीद करके आए हैं कि हमारी जो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी है, वो हमारी समाज के हैं, वो हमारी पहचान को दे। हम लोग यही उम्मीद करके ये जंतर मंतर पर आए हैं। सरना धर्म कोड लागू करो, सरना धर्म कोड लागू करो, सरना धर्म कोड लागू करो, सरना धर्म कोड लागू करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद। Yeah.
जिंदाबाद।